काफी पहाड़ी के ऊपर है ये चंदागिरी टेम्पल। चंदागिरी तो हिल का नाम है, लेकिन इस मंदिर को भालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्टेबल जगह के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश आइडिया। सुबह के 12 बज रहे हैं और आज हम आपको लेके चल रहे हैं नेपाल का एक और पर्यटक स्थल चंदागिरी टेम्पल। थामेल से चंदागिरी टेम्पल की दूरी करीब 20 किलोमीटर है, जो कि हम अपने पथा और टैक्सी ऐप से अप्रॉक्स 45 मिनट में पूरी करेंगे। बाइक राइडर बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, मस्त पकड़ के बैठते हैं, ये मैं कहना बताया नहीं। और यहाँ गाड़ी में भी होती है पल्सर, रफाली, एक से एक वीआईपीयां यहाँ बाइक टैक्सी में चलती हैं। जैसा कि हम अपने अभी फ्लॉक हॉस्टल थामेल से 242 रुपये में पथाव बाइक टैक्सी के माध्यम से आ गए हैं हम चंदागिरी टेम्पल। और चंदागिरी हिल से या पहाड़ के ऊपर ये बना हुआ है। अगर आप हेलीकॉप्टर से ये राइड करना चाहते हैं तो आपको 7500 नेपाली रुपीज आपको प्रति व्यक्ति का चार्ज देना पड़ेगा, जैसा यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो आपको ये चंदागिरी, चितलांग और मरखू और कुलेखानी इन जगहों पे लेके जाएंगे हेलीकॉप्टर से। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए। क्योंकि ये टेंपल पूरा पहाड़ पे है और पहाड़ के आगे जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से जहाँ से आप टिकट ही लेंगे वहीं से आपको नीचे का भी कितना अच्छा दिखेगा। आपको केबल कार के माध्यम से जाना पड़ेगा, मतलब केबल झूलन टोला होता है, झूलन का टोला, उसके माध्यम से जाना होगा। और उसका चार्ज है, आप एक साइड जाना चाहते हैं तो आपको 415 रुपये नेपाली रुपीज आपके नेपाली पर्सन के लिए लगेंगे। और जो 7 कंट्रियों के मेंबर है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, उनके लिए 644 नेपाली रुपीज लगेंगे। और जो फॉरनर हैं, मतलब जो यूरोपियन कंट्री के टूरिस्ट हैं, उनके वही अगर आप आना जाना दोनों की टिकट लेना चाहते हैं तो आपको 1120 रुपये नेपाली रुपीज में देने पड़ेंगे। और अगर आप चाइना हैं, चाइनीज हैं, तो आपको $15 देने पड़ेंगे। अगर आप US, अमेरिका, UK, लंदन के हैं तो आपको $22 देने पड़ेंगे। फिलहाल मैं इस केबल कार की टिकट लेने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं हेलीकॉप्टर राइड करूँ। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड के लिए इधर की ओर रिसेप्शन काउंटर है, आप देख सकते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हैं। और सामने आप देखेंगे इधर की ओर टिकट काउंटर, उसके सामने ही आप देखेंगे जहाँ पे आपको टैक्सी उतारेगा या बस उतारेगा वहाँ पे भी छोटा सा रिजर्वेशन काउंटर लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हेलीकॉप्टर राइड फॉर 1 पर्सन, सो वी हैव टू डायल फॉर द नंबर, सो दे विल नॉट टेक 1 पर्सन, सो इट विल टेक 4 पर्सन्स टू टेक द हेलीकॉप्टर। यू डोंट हैव फ्रॉम दिस टाइम 4 पर्सन, राइट? आई एम अलोन। अगर आप हेलीकॉप्टर राइड करना चाहते हैं 7500 नेपाली रुपीज पर पर्सन, एक जना को आपको नहीं लेके जाएंगे भैया, उसके लिए आपको चार लोग चाहिए तब वो हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, नहीं तो आप चार लोगों का अकेले पैसा दीजिए, मतलब 28,000 नेपाली रुपीज दीजिए तो आप एक आदमी लेके जाइए या दो आदमी रुपीज लेके जाइए, ठीक है? तो अभी यहाँ पे कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ, तो भैया मैं 28,000 नेपाली रुपीज़ तो नहीं दे पाऊँगा। तो भैया अपना केबल कार जिंदाबाद, केबल कार से ही चलते हैं, अगर लौंडिया होती तो थोड़ा बहुत सोच भी लेते।
पानी बॉटल और प्लेस 100 नेपाली रुपीज, मतलब 60 रुपये तो सही है, 30 रुपये का पड़ा दोनों चीज़। हम करते हैं यहाँ से टिकट लेने, देखते हैं कार्ड वगैरह होता है या नहीं। टिकट लेने के लिए आप ऐसे लाइन में लेंगे, ऐसे कल भीड़ कम देखते हैं। टिकट ले लिया है और टिकट हम SAARC कंट्री के मेंबर हैं, तो चार्ज मुझे लगा है 1120 नेपाली रुपीज, जिसमें आना जाना दोनों है। चलिए हमने टिकट ले लिया, अब चलते हैं केवल कार में, मतलब उड़न खटोला में, मतलब झूलन टाली में। और हाँ, आप लोग सोचेंगे टिकट किस प्रकार होता है, तो देखिए इस प्रकार टिकट होता है। इस पर लिखा है चंदागिरी हिल्स लिमिटेड और टिकट नंबर लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है और SAARC 2A लिखा हुआ है और बस, और यहाँ पे बार कोड एक दिया हुआ है। इसको मैं बैक कैमरे दिखा देता हूँ, देख लीजिए। इधर की ओर आगे आएंगे तो आपको इस प्रकार यहाँ पे एंट्री गेट मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केबल कार एंट्रेंस, और यहाँ पे कुछ और नोटिफिकेशन दिया हुआ है, विजिटर आर रिक्वायर्ड इंजॉय द विजिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप ये टर्म्स कंडीशन देख लीजिए, मैं बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ। प्रवेश द्वार से एंट्री किया और मेट्रो में जैसे हम टिकट दिखाते हैं गेट खुलता है, तो वहाँ पे एक मोहतरमा थी, उन्होंने हमारे टिकट को स्कैन किया बार कोड को और गेट खुल गया और लाइन में लगे हुए, जैसे मेरा नंबर आएगा तो अपनी केबल कार में बैठूंगा, मतलब उड़न खटोला में बैठूंगा, मतलब झूलन खटोला में बैठूंगा। उसके बाद जाएंगे हम आगे की ओर। करीब 5 मिनट तो बैठे हो ही गया है और हम पहुंचने वाले हैं करीब, काफ़ी पहाड़ी के ऊपर है वो मंदिर, चंदागिरी मंदिर। तो देख लीजिए आगे का नज़ारा, अगर नीचे देखेंगे तो आपको डर भी लगेगा थोड़ा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बने रहिए। तो मित्रों, करीब 15 मिनट की उस केबल का राइड, मतलब उड़न खटोला राइड की यात्रा करके आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आपको मंदिर के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से कुछ अच्छा भी आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ और इधर की ओर आपको ये भी दिखा देता हूँ कैसी केबल कार से मैं आया था, यहाँ से अच्छा व्यू दिख सकते, मतलब कितनी दूर से हम ऊपर आए थे। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉइंट है, काफ़ी अच्छा दृश्य है जहाँ पे आप फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ पे शायद नॉर्मल व्हीकल को रास्ता भी, पहाड़ी रास्ता है लेकिन नॉर्मल व्हीकल अलाउड नहीं है, जो यहाँ पे मतलब जो यहाँ के कर्मचारी लोग हैं वो लोग अपने सामान वगैरह लाया जाया करते हैं इस पहाड़ी पे उस रास्ते से। बाकी अगर टूरिस्ट को अगर यहाँ आना है तो इस हेलो अगर टूरिस्ट को जैसे यहाँ आना है टूरिस्ट लोगों को, तो वो केबल कार के माध्यम से ही आएंगे। यहाँ से हम चलते हैं ऊपर, चढ़ाई है, थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, दर्शन करके आते हैं क्या है कैसा है गर्दा, ये देखिए। वहाँ से हम नीचे से थोड़ी चढ़ाई चढ़ के आगे आ गए और ऊपर भी दिखते हैं क्या है, हम इधर की ओर जाते हैं। अब थोड़ी दूर और ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये पूरा मैप बना हुआ है कि इस हिल पे क्या क्या है, तो आप इस मैप को
तो इस मैप को मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ चंदागिरी हिल्स वेयर विस कम ट्रू, और जो जो जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ बना हुआ है, कहाँ पे हाल है, कहाँ पे बार है, कहाँ पे मंदिर है, वो पूरा इसमें दर्शाया गया है इस मानचित्र में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हेलीकॉप्टर राइड करके आते हैं तो आप वहाँ भी घूम सकते हैं। देखिए हेलीकॉप्टर का हेलीपैड छोटा सा बना हुआ है उतरने के लिए, और नीचे भी कुछ संग्रहालय हैं, मंदिर हैं, और कुछ मंदिर टाइप में दिख रहे हैं आप देखिए, या शायद लॉज वगैरह कुछ हैं। तो यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, फिलहाल टाइम मिला तो वहाँ जाऊँगा, नहीं तो मेन जो चंदागिरी टेम्पल है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उसी से काम चला लीजिए, ठीक है। एक हाथ में ये पकड़ा हूँ और एक हाथ में कैमरा पकड़ा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ते जाना ज़िंदगी। यहाँ पे इधर की ओर मेरे, यहाँ पे इधर की ओर दीवारों पर मेरे अलग अलग चीज़ें लिखे हैं, प्लीज़ यूज डस्टबिन, वॉक्स वॉक स्लो, धीरे चलें। काफ़ी साफ़ सफाई है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई, एकदम अल्टीमेट क्लीनिंग। और यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है कि मित्रों जो कूड़ा है वो डस्टबिन में ही डालें, और काफ़ी अच्छा हिल व्यू नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे आपका, देख के मन मोहित हो जाएगा। ये देखिए, अगर काठमांडू आए अगर आप, तो सबसे पहले रिकमेंड करूँगा आप चंदागिरी आए। ये देखिए यहाँ पे पार्क भी बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। पहाड़ी के ऊपर इसको कैसे बनाया होगा, काफ़ी दिमाग और काफ़ी मेहनत लगाया होगा। वो देखिए उधर की पार्क है जिधर बच्चे खेल रहे हैं। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते करीब 4 बज गया, अब मुझे थोड़ा प्यास लग रही है तो मेरे साथ जो लेस है वो खाता हूँ और पानी का बोतल वो थोड़ा पी लेता हूँ, उसके बाद आगे लेके चलते हैं आपको। सो बने रहिए। फुल एंजॉय करना चाहते हो तो पूरा दिन निकाल के, क्योंकि आप पूरा दिन पूरा घूमेंगे ना, रुक रुक के एकदम मज़ा आ जाएगा, गर्दा हो जाएगा। और ये तो शायद मैंने आपको बताना ही भूल गया कितने बजे तक केबल कार चलती है। और ये भी आपको बता दूँ, यहाँ आप अगर गाड़ी से आना चाहे तो आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप गाड़ी से आना चाहे तो गाड़ी से भी आ सकते हैं, अगर आप केबल कार से आना चाहे तो केबल कार से भी आ सकते हैं। तो जो टूर वाले होते हैं, जो टूर पैकेज वाले होते हैं ना, जो टूरिस्ट वाली गाड़ियाँ होती है भाई, जो पहले से पैकेज बुक करके आते हैं, उनको हर जगह जाना होता है तो वो गाड़ी से ही आते हैं। यहाँ पे गाड़ी से आ सकते हैं, गाड़ी से आते हैं और 10-15 मिनट घुमाते हैं और ले जाते हैं। अगर आप व्यक्तिगत पर्यटक हैं, अगर आप अकेले आ रहे हैं, ग्रुप के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपने कोई पैकेज नहीं लिया हुआ है तो पैकेज लेने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्त। मैं सारा रूट आपको बता देता हूँ, सारा कुछ आपको मैं खुद ही बता देता हूँ, पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, अपना तसल्ली से घूमिए, फुल इन्जॉय कीजिए और जाइए, ठीक है। 5-6 दिन में आप बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं आप घूम सकते हैं, लेकिन चंदागिरी मेरे को सबसे अच्छा लगा। चंदागिरी टेम्पल के लिए यहाँ से अंदर ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको ये पूजा सामग्री लिखा हुआ, पूजा सामग्री स्थल, यहाँ से आप अपनी पूजा सामग्री ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है, नारियल वगैरह है, ले सकते हैं। पूजा सामग्री लेके अगर आप लेना चाहें पूजा सामग्री ले सकते हैं,
और पूजा सामग्री अगर आप नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप जैसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको जूता चप्पल उतारना होगा और यहाँ पे आपको अपना नल लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको हाथ पैर धोना होगा और जहाँ पे आप हाथ पैर धोएंगे यहाँ पे ये हालेश्वर महादेव। इस मंदिर को चंदागिरी तो हिल का नाम है लेकिन इस मंदिर को भालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये इसका इतिहास कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। हम अभी यहाँ पे अपना जूते खोल के हाथ मुँह धो लेते हैं और ले चलते हैं आपको सिद्ध महादेव जी का मंदिर भालेश्वर मंदिर के अंदर। मंदिर का हम परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए घंटा है और इस पर कुछ लिखा हुआ है श्री इच्छा पुष्वर महादेव बिस ऐसी कुछ लिखा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा घंटा है, इस घंटे को मैं आपको दिखा देता हूँ और घंटा देखने के बाद इधर की ओर यहाँ पे मंदिर के चारों ओर आपको भगवान हनुमान जी, भगवान गणेश जी और ये नरसिंह देवता के हर तरफ ऐसे चारों तरफ जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको ऐसी प्रतिमाएं दिख जाएंगी। इधर की ओर दीपमाला है, यहाँ आप दीपक जला सकते हैं। स्टोरी ये है इस जगह की कि पहले नेपाल जो है टुकड़े टुकड़े राज्यों में विभाजित था, मतलब छोटे छोटे राज्य थे। इस जगह पे ये जो मंदिर है यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का एक स्टैचू था जो कि अपने आप उत्पन्न हुआ था पहाड़ पे, तो ये राजा पृथ्वी नारायण सहदेव गोरखा से आए और यहाँ पे आके उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा की और छोटे छोटे राज्य थे उनके राजाओं पे समझाने की कोशिश की और युद्ध किया, उसके बाद सभी को एक किया तो अब छोटे छोटे राज्य सब मिलके एक बन गया नेपाल। यहाँ के लोग इन पृथ्वीनारायण शाह जी को बहुत ही रिस्पेक्ट से मानते हैं और उनका यहाँ पे सन 2017 में यहाँ की जो प्रेसिडेंट थी, होम मिनिस्टर थी श्री विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने 2017 में यहाँ पे उन राजा का ये स्टैचू बनवाया है। मैं उस स्टैचू को भी आपको दिखा देता हूँ। पृथ्वीनारायण शाह जी की प्रतिमा देखने के बाद अब हम यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। अब ये जगह वैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है, मंदिर प्राइवेट नहीं है लेकिन यहाँ पे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसमें केबल कार वगैरह रखी गई है, केबल कार से आप आएंगे तो ये यहाँ के जो ओनर शायद चंद्रकांत कुछ नाम है उनका, तो उन्होंने इस जगह को एकदम टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। मंदिर आप सभी का है, मंदिर के लिए कोई इशू नहीं है, तो आप अगर नेपाल आ रहे हैं तो नेपाल के टूर में अपने पहले दिन की शुरुआत आप चंदागिरी टेम्पल से करें और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें और यहाँ आएँ घूमें फिरें, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, खाना पीना खाएं और उसके बाद आप यहाँ से प्रस्थान करें। तो चलिए अब हम यहाँ से घूम लिए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं अपने केबल कार से नीचे। पच्चीस सौ मीटर के ऊपर ऊंचाई से अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं अपने इस केबल कार मतलब उड़न खटोला के माध्यम से और देखिए यहाँ से नीचे का क्या नज़ारा आपको दिखेगा क्लियर, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए, जाते वक्त तो नहीं दिखा पाया था क्योंकि उधर से सूरज की रोशनी आ रही थी, लेकिन अभी गोर आपको क्लियर दिखेगा, बहुत अच्छा दिखाता हूँ आपको, बने रहिए। चंदागिरी हिल्स और भगवान भोलेनाथ का भानेश्वर टेम्पल हमने घूम लिया, और घूम के जिस केबल कार मतलब झूलन खटोला के माध्यम से हम ऊपर गए थे, उसी केबल कार झूलन खटोला के माध्यम से हम आ गए हैं यहाँ, जहाँ से हमने टिकट लिया। देखिए उधर को टिकट काउंटर है, उधर को जाना है। आप अगर एंट्री करते हैं टिकट लेकर उधर प्रवेश द्वार से जाएंगे, अगर आप उधर से आएंगे तो इधर एग्जिट द्वार से आएंगे। तो अब आ गए भैया, अब यहाँ से अगर आपको अब जाना हो अपने पैलेस पे, काठमांडू जाना हो या फिर थामिल जाना हो, जहाँ भी होटल हॉस्टल है, तो आप पथाव टैक्सी कर सकते हैं, बाइक टैक्सी कर दीजिए, यहाँ पे आके आपको पिक कर लेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि थोड़ा ऊपर है ये, लेकिन आ जाएगा पिक कर लेगा भाई आपका, कितना 245 या कुछ रुपए में आपको छोड़ देंगे आपके हॉस्टल। तो ये था हमारा नेपाल के प्रसिद्ध हिल स्टेशन चंदागिरी हिल स्टेशन का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछताछ या कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो मतलब अगली वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। ये तो नहीं कर रही, तुम सब चीज त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। तो कह रहे कि सब में मुझे देखो, अगर तुम वो भी नहीं कर रहा तो तुम अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो। पशु का मतलब होता है जीव, और पति का मतलब होता है स्वामी, और नाथ का मतलब होता है भगवान। अर्थात इसका मतलब हुआ संसार के समस्त जीवों के स्वामी यानी भगवान है भगवान शिव, अर्थात पशुपति नाथ।